हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एमसीबी। आज हम इजी स्टेप्स में क्रोशेट का कुछ टसल्स डिज़ाइन बनाएंगे जो बिगनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। आई होप आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ये मैंने लॉन्ग बीड्स लिए हैं और ये ओवल शेप के बीड्स लिए हैं। इन बीड्स के बदले में आप क्रिस्टल्स या फिर गोल्डन राउंड बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं, बस हमें बिग साइज़ का यूज़ करना है। और कलमकारी थ्रेड लिया है। कुच्चू बनाने के लिए हम सिल्क थ्रेड का यूज़ करेंगे। ये मैंने क्रोशा लिया है ट्यूलिप का, 8 नंबर 0.9 mm का है। इस डिज़ाइन का मेथड बहुत ही इजी है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फिंगर में धागा फोल्ड करके और इस नीडल में स्लिप स्टिच लेना है। स्लिप नॉट डालने के बाद इसे पल्लू पे स्टार्टिंग यहाँ पे अटैच कर लेंगे। सपोज़ यही स्टार्टिंग है। उसके बाद हमें यहाँ पे दो चेन स्टिच बनाने हैं। दो चेन स्टिच के बाद नीडल जहाँ पे स्ट्रेट आए वहाँ पे लॉक कर देंगे। इस तरह से थ्रेड्स लेके बाहर आके इन दोनों लूप्स में से भी बाहर आएंगे। ये लॉक हो गया है। उसके बाद इन थ्रेड्स को थोड़ा सा बाहर खींच लेंगे और ये एक लॉन्ग बीड लेके इन थ्रेड्स में से इस तरह से पास करके इसे लॉक कर देना है। अब ये लॉक हो गया है। उसके बाद धागा फिर से थोड़ा सा बाहर लाएंगे, एक और लॉन्ग बीड लेंगे और इन नीडल में इन थ्रेड में फिर से पास कर लेंगे और उसके बाद इसे फिर से लॉक कर लेंगे। और ये जो दोनों बीड्स हैं वी शेप में आए, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें इन बीड्स को यहाँ पे वी शेप में लाके अटैच कर देना है। सिंगल क्रोशे से इसे लॉक कर देंगे, ये देख सकते हैं। और अब हमें फिर से दो चेन स्टिच बनाने हैं और इसे जहाँ पे नीडल स्ट्रेट आए वहाँ पे लॉक कर देंगे। उसके बाद हमें फिर से दो चेन स्टिच बनाने हैं, एक और ये दो। दो चेन स्टिच के बाद नीडल स्ट्रेट लाके इसे अटैच कर देंगे। यहाँ पे हमने लॉक कर दिया है। और अब धागे को थोड़ा सा बाहर खींच लेंगे और इस नीडल में हम एक ओवल शेप का बीड लेना है और इस बीड को हमें इसे लॉक कर देना है। सबसे पहले इस तरह से लॉक कर लेंगे, उसके बाद साड़ी पे इसे अटैच कर देना है। हमें इस बीड को ज़्यादा टाइटली नहीं खींच के लॉक करना है, फ्री हैंड से बनाना है। उसके बाद हमें फिर से दो चेन स्टिच बनाने हैं और यहाँ पे लॉक कर देना है। ये लॉक हो गया है। और अब हमें फिर से दो चेन स्टिच बना के इसे नीडल को स्ट्रेट लाके यहाँ पे अटैच कर देंगे। और अब धागे को थोड़ा सा खींच के फिर से एक लॉन्ग बीड लेना है, नीडल में पास करके इसे लॉक कर देना है। उसके बाद फिर से थोड़ा सा धागा बाहर खींच के एक और लॉन्ग बीड नीडल में लेके इन थ्रेड्स में से पास करना है और इसे भी हमें लॉक कर देना है। और ये दोनों नीडल्स वी शेप में लाके साड़ी के पल्लू पे यहाँ पे एज पे अटैच कर देंगे। उसके बाद फिर से हमें दो चेन स्टिच बनाने हैं और ये नीडल स्ट्रेट आए यहाँ पे लॉक कर देंगे। इसी तरह से हम ये फर्स्ट स्टेप कंटिन्यू कर लेंगे, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है, ये देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें फिर से फिंगर में धागा फोल्ड करके इसे यहाँ पे नॉट डाल लेना है। उसके बाद ये जो स्टार्टिंग एज है यहाँ से नीडल को पास करते हुए इस थ्रेड को बाहर लाएंगे और इसे लॉक कर देंगे। उसके बाद ये जो हमने चेन स्टिच बनाया था उस चेन स्टिच में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक, ये दो, तीन और ये चार। चार सिंगल क्रोशे बनाने के बाद ये जो लॉन्ग बीड है ये देख सकते हैं, ये जो लॉन्ग बीड है इस लॉन्ग बीड के पीछे ये जो थ्रेड है इस थ्रेड में से हम नीडल को पास कर लेंगे और उसके बाद इस थ्रेड में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फ्रेंड्स
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार विज़िट किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल सकें। और अब आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 6 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं, उसके बाद थोड़ा सा धागा बाहर खींचेंगे और इसमें एक हम स्मॉल बेल ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप करके भी नेक्स्ट डिज़ाइन कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद ये जो लॉन्ग बीड है नेक्स्ट वाला, उस लॉन्ग बीड के पीछे ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड में हम इसे सिंगल क्रोशे से अटैच कर देंगे और ये सिंगल क्रोशे से हम कंटिन्यू कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने डिफरेंट एंड इजी मेथड से क्रोशेट के कुछ ऐसे डिज़ाइन बनाए हुए हैं, उन सभी का मैंने एक प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में विज़िट कीजिए, वो सभी वीडियोस आपको इजीली मिल जाएंगे। अब हमने इस सेकेंड बीड पे 6 सिंगल क्रोशेट बना लिए हैं, ये देख सकते हैं। उसके बाद ये जो हमने चेन स्टिच बनाया था यहाँ पर, इसे हम फिर से सिंगल क्रोशे से अटैच कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे 1, 2 और ये 3 चेन स्टिच बना के ये जो लॉन्ग बीड है, सॉरी ओवल बीड है, इस ओवल बीड में हमें अनलॉक कर देना है। इस तरह से अटैच कर लेंगे और अब हमें फिर से 1, 2, 3, 4 और ये 5 चेन स्टिच बना के इस ओवल बीड के अनदर साइड पे हम लॉक कर देंगे। ये देख सकते हैं, इस तरह से हमें सिंगल क्रोशे से लॉक कर देना है। उसके बाद हमें फिर से 1, 2, 3 चेन स्टिच बना के ये जो लॉन्ग बीड है यहाँ पे हमें लॉक कर देना है। अब ये दोनों बीड्स लॉक हो गए हैं। नेक्स्ट हमें ये जो लॉन्ग बीड है, इसके पीछे ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड में हमें निडल को पास करके सिंगल क्रोशे बनाना है। इसे हम चेन स्टिच नहीं बनाएंगे, हमें सिंगल क्रोशे से ही कंटिन्यू कर देना है। और अब हमें इस थ्रेड में टोटल 6 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये 5th सिंगल क्रोशे है और अब ये 6th सिंगल क्रोशे है। 6 सिंगल क्रोशे के बाद थोड़ा सा हम धागा बाहर खींच लेंगे इस तरह से। उसके बाद नीडल में हम एक बेल लेंगे और इस बेल के बाद ये जो नेक्स्ट वाला जो लॉन्ग बीड है, उस लॉन्ग बीड में नीडल को पास करके हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हमें यहाँ पे इस लॉन्ग बीड पे टोटल 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। आप ये देख सकते हैं, हमें इस धागे को ज़्यादा खींचना नहीं है, इजीली हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाने हैं। इसी तरह से हम इसे कंटिन्यू करके उसके बाद ये जो यहाँ पे हमने चेन स्टिच बनाया था, उस चेन स्टिच में इसे लॉक कर देंगे। फ्रेंड्स, इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए हम ये वर्क कंटिन्यू करेंगे। अब ये देख सकते हैं, मैंने वर्क कंटिन्यू किया हुआ है। आप इतना ही रख सकते हैं या फिर ये जो ओवल शेप का बीड है यहाँ पे कुचू बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, मैंने ये ओवल शेप के बीड के नीचे कुछ बनाए हुए हैं। मैंने 80 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लिया है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन, एक नए वर्क के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।